75 रुपए में फिल्म देखने के लिए 16 सितंबर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए है एक खबर। 16 सितंबर के दिन नेशनल सिनेमा डे मनाया जाना था। इस खास दिन फिल्म का टिकट सिर्फ 75 रुपए में मिलना था, ये अब पोस्टपोन कर दिया गया है। या सीधे शब्दों में कहें कि 16 सितंबर को ना तो नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा, ना ही इस दिन 75 रुपए में किसी फिल्म की टिकट मिलेगी। दरअसल पहले ये डे नहीं मनाया जाता था, इस साल ये चलन नया शुरू हुआ। कोविड के कारण 2 साल तक थिएटर बंद थे, इससे थिएटर मालिकों को बड़ा नुकसान हुआ, बेरोजगारी हुई। लेकिन अब क्योंकि काम दोबारा शुरू हो गया है, लोग सिनेमाघरों की तरफ लौट रहे हैं, ऐसे में सिनेमाघरों की तरफ से ये ऐलान किया गया उन दर्शकों के लिए जो वापस सिनेमाघरों की तरफ लौटे हैं और जिन्होंने काम को दोबारा शुरू करने में बड़ी मदद की है। कोरोना काल के दौरान लंबे समय तक सिनेमाघरों पर ताला था, मूवी थिएटर्स को जबरदस्त नुकसान हुआ, अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो लिहाजा सिनेमा हॉल्स सभी मूवी लवर्स को थिएटर्स तक वापस लाना चाहते हैं। ऐसे में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने ही 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस यानी नेशनल सिनेमा डे मनाने और इस दिन देश के किसी भी थिएटर में किसी भी फिल्म के लिए किसी भी तरह की सीट में बैठने के लिए सिर्फ 75 रुपए की टिकट का ऐलान किया था। नेशनल सिनेमा डे ब्रह्मास्त्र फिल्म के चलते पोस्टपोन किया गया। जी हाँ, पिछले हफ्ते ही फिल्म रिलीज हुई है और फिल्म ने खुद को हिट की लिस्ट में भी शुमार कर लिया है, लोग इसे देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर एक दिन के लिए ब्रह्मास्त्र की सभी टिकटें 75 रुपए में बिकेगी तो मेकर्स को नुकसान हो जाएगा। स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर ही मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने नेशनल सिनेमा डे की तारीख एक हफ्ते से बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी। 75 रुपए में टिकट खरीदने के लिए आपको केवल सिनेमा हॉल के बाहर से ही टिकट खरीदना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको GST और इंटरनेट फीस के चार्ज अलग से देने पड़ेंगे।